ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास कुछ डिफरेंट सी क्लास हो गई क्योंकि सुबह मेरा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था और बस इसी तरह से सारा दिन सा चलता रहा। अच्छा जी, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है स्किन केयर एंड मॉनसून। अच्छा, पहले आप मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है और साथ स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं? जी, मुझे कोई प्लीज अपडेट कर दे, मेरी आवाज और स्लाइड्स दोनों नजर आ रही हैं? ओके ओके जी, आज हम बात करेंगे उस सीजन की जिसको हम बरसात भी कहते हैं, जिसको हम बारिशों का सीजन भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम मॉनसून भी बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन हर तरह का सीजन होता है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। अगर हम मौसमों की बात करें तो स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, सब कुछ होता है। एक सीजन ऐसा भी है जो आता होता है, एक स्पेल आता होता है जिसमें बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, और जब वो बारिशें होती हैं वो चूंकि आम उससे ज्यादा हो रही होती हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत से, चूंकि हम लोगों के मुल्क का एक जो सिस्टम है जिसे आप ड्रेनेज सिस्टम कहें या अपने मुल्क का हमारा कुछ अपना निज़ाम कहें, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो जिससे सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, दरख्तों पर जहाँ जहाँ गड़े हैं या ग्राउंड्स हैं वहाँ पर बहुत सा पानी खड़ा हो जाता है, और इर्द गिर्द हमारे एक अजीब सी ह्यूमिड की कैफियत हो जाती है। इवन आपके लॉन्स में अगर वो खुश्क भी हो जाता है तो नमी का सा तासर रहता ही है वहाँ। उसके अलावा इस मौसम के अंदर बहुत सी जहां पर बारिशें हो रही होती हैं, जिससे अगर हम टेम्परेचर वैसे देखें सेल्सियस में तो वो थोड़ा सा गिर जाता है, मगर उस हब्स की वजह से, उस गर्मी की वजह से वो हमें ज्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रही होती है, और उस ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से हमें गर्मी ज्यादा लग रही होती है, मतलब हमें ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है ना, उसमें ज्यादा लगता है, सांस नहीं आ रहा। बड़े बूढ़े कहा करते थे कि आपका खून और पानी एक हुआ हुआ होता है, पसीना या पानी इस तरह से, क्योंकि इस मौसम के अंदर यू स्वेट अ लॉट। अब जब मैंने आपको बताया इर्द गिर्द भी बारिश है, हब्स भी है, मौसम बंद भी है, घुटन भी है, और आपको पसीना भी ज्यादा आ रहा है, नमी बहुत ज्यादा है, यू फील ऑल द टाइम आपको पसीना सा या ऑयलीनेस की कैफियत हो रही है, और स्मेल सी आ रही है, और आपको बार बार नहाने को दिल कर रहा है, या आपको गंदगी गंदगी फील हो रही है, इसी मौसम की एक पैदावार की वजह से, मतलब इस बंद मौसम की वजह से बहुत से कीड़े मकौड़े, बहुत से मच्छर, आप लोग जानते हैं, और बहुत सी ऐसी छिपकलियां और ऐसी बहुत सी चीजें भी हमारे इर्द गिर्द नजर आनी और मंडलानी शुरू हो जाती है। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। मुझे जाकर आप लोगों को म्यूट करना पड़ता है जिससे मेरी प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होती है, ठीक है? ओके जी, सो इन सब के साथ साथ जब हम लोग अपनी एवरीडे एक्टिविटी अपने हिसाब से कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर स्वेट होता है, जिसके अंदर दाने होते हैं, लोगों को पित निकल आती है, उसके अलावा आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, पोर्स बहुत बड़े लग रहे होते हैं, मेकअप वो टिक नहीं रहा होता, एंड सो मेनी थिंग्स विद द सीजन। आज हम बात करेंगे कि हम वो क्या डाइट के अंदर चीजें लें, हम वो क्या अपने एटमोसफेयर के अंदर चीजें करें, क्या वो हम लोग अपनी स्किन केयर की रूटीन इख्तियार करें जिससे इस मॉनसून का इफेक्ट हम थोड़ा सा कम कर सकें। ऑब्वियसली बात है, हम सीजन को तो कट नहीं कर सकते ना, अब सर्दी का मौसम है, हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन सकते हैं, हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो टुडे वी विल टॉक ऑल अबाउट स्किन केयर जो आप कर सकते हैं इस सीजन के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करूंगी कुछ ऐसी टिप्स की जो मेजर और बड़ी कॉमन और सबसे, अगर देखा जाए, इनमें इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एक सनस्क्रीन का अप्लाई करना। ये क्यों मैं कह रही हूँ इसको मैं आगे चल के बताऊंगी। इसके अलावा क्लेंजिंग, आपके मुंह को साफ रखना, ठीक है? उसके अलावा एक मॉइस्चर यूज करना विच इज अ लाइट वेट मॉइस्चर, ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कम अज कम मेकअप यूज करना या नो मेकअप यूज करना, ये तो तभी हो सकता है जब हमारी बहुत ग्रेट स्किन हो, और या ऐसा मेकअप यूज करना जो आपकी स्किन के साथ चले और आपके पोर्स को ब्लॉक ना करे। अवॉइड करना वो तमाम जो है फूड, जो जंक है, जो फ्राइड है, जो हमारी स्किन को और मैक्सिमम खराब करता है। तो चलते हैं सबसे पहले खाने की तरफ।
हम सबको खाने पीने का बहुत शौक है। जब बारिशें ऐसा सीजन स्टार्ट होता है तो घरों के अंदर पकौड़े, तली हुई चीजें, फ्राइज, जैसे कढ़ी और इस तरह की बहुत सी चीजों की तरफ लोग टेंडेंसी रखते हैं खाने के लिए, क्योंकि जाहिर है वैसे भी लॉकडाउन सिचुएशन थोड़ी बहुत है भी, और हम सबका दिल करता है कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं और जो है वो तली हुई चीजें खाएं, ये टेंडेंसी होती है। मगर अगर आप इस मौसम में थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएं और अपनी खुराक के अंदर उन चीजों को ऐड करें जो फल और सब्जियों के साथ ज्यादा क्लोज है, आपकी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि गर्मी है और गर्म भी होता है, बीपी भी हाई कर सकता है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जिसमें खास तौर पर नट्स थोड़े से मौजूद हैं, बादाम और कुछ ऐसे सीजनल फ्रूट्स को रखें। जिस तरह से सीजनल फ्रूट्स की हम बात करें, आड़ू इस वक्त बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा है। आड़ू आपके स्टमक या गट के लिए बहुत अच्छा है, आड़ू के बहुत से बेनिफिट्स हैं, उसमें बहुत अच्छा फाइबर मौजूद होता है, उसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद होता है। जामुन, जामुन अब तो आपको नहीं मिलेगा मगर जामुन का जब सीजन होता है तो जामुन जरूर खाया करें। मैं जिस तेजी से जामुन के दरख्त खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान से, एक टाइम पे हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी दवाई जो जामुन से बनेगी, यानी जामुन के अंदर इतनी ताकत होती है, अगर आप एक सीजन का जामुन खा लें और उसकी गुठली का भी सफूफ किसी तरह से खा लें, अपने घरों में जामुन जरूर लगाएं। अगर आप ये कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उस जामुन के खाने से आप यकीन मानिए कि आपको उस साल की बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। जामुन पेट के लिए बहुत अच्छा है, जामुन और बहुत सी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। पेट पेट की मैं बार बार बात इसलिए कर रही हूँ कि 99% से ज्यादा बीमारियां आपको अपने पेट से लगती हैं, जिसको गट की प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का हाजमा या पेट अच्छा, उनकी स्किन अच्छी होगी, उनके हाथ पांव अच्छे होंगे, उनके बाल अच्छे होंगे, उनके सारे सिस्टम अच्छे होंगे और उनके जिस्म की साख भी बिल्कुल ठीक होगी, वो स्वेट भी इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक बोल, बोल ऑफ सीजनल फ्रूट्स। हम लोग खाना खाने बैठते हैं, फल खाने बैठते हैं तो हम ऐसे खाते हैं कि आखिरी फल। फल खाने का कुछ तरीकेकार भी हम लोगों का बहुत ज्यादा फर्क है। हम फल खाते हैं एक खाना खाने के फौरी तौर पर बाद, देखिए बात जहन में रखिएगा, पहले खाना खाते हैं वो आपके मेदे में पहले जाता है, बाद में आप फल खाते हैं काफी ज्यादा। हमारे मुल्क में मीठा खाने का अच्छा खाने की तरह रुझान, तो वो जब जब तक आपका खाना हजम होता है, डाइजेस्ट होता है और वो नीचे आपकी इंटेस्टाइंस में पहुंचता है, आपका पीछे जो फूड पड़ा होता है वो गल सड़ जाता है, वो आपको वो फायदा नहीं देता। सबसे अच्छा फल खाने का बिटवीन मील्स टाइम है, जब आपने कुछ ना खाया हो तब आपको 100% उसके विटामिन फायदा देंगे, या सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई ना कोई फ्रूट खा लें। और फ्रूट खाने का एक तरीका ये नहीं है कि पूरे के पूरे आपने बड़े बड़े ढोंगे खा लिए फ्रूट्स के, और आज मैंने तो 5 या 3 आम खा लिए, इट्स नॉट अ कमाल। कमाल ही आपके पास एक छोटा सा बोल हो जिसके अंदर आप 2 से 3 डार्क कलर के फ्रूट्स खाएं, दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर एंटी एजिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। फलों के अंदर की हमने जब बात की, आम वैसे बहुत अच्छा फल है, उसमें विटामिन ए है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मगर बेसिकली आम इज ऑब्वियसली अ वेरी स्वीट फ्रूट। अगर आप आम को बरसात में बहुत टॉप फ्रूट्स में नहीं देखेंगे, गर्मियों का वो फलों का बादशाह जरूर है मगर बरसात में इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू ईट मैंगोज, तो आपको फोड़े फिंसियां कर सकता है और सब कुछ। अच्छा फ्रूट खाएं, अनार खाएं। हमें पता है अनार बहुत ज्यादा अब नहीं अवेलेबल, एक इंडियन अनार आ रहा है, महंगा बहुत होता है। उसके अलावा जो है आप चेरीज, चेरीज जब सीजन में होती हैं तो 300-350 रुपए का, बास जगहों पर 250 रुपए का भी डब्बा आपको मिल जाता है, तो चेरी खाएं, बहुत जबरदस्त एंटी ऑक्सीडेंट होता है, बहुत अच्छी चीज होती है चेरी। मैं नॉर्मली फ्रीज कर लेती होती हूँ चेरी अच्छी वाली लाकर और उसको थोड़ा बहुत खाती रहती हूँ, आई जस्ट लाइक इट। लीची, लीची भी बहुत सीजनल फ्रूट है, बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है, ये खाएं। ये तमाम चीजें जो है इंशाल्लाह ताला, और इवन ये जो है होता है आपका प्लम जैसे आप उर्दू में कहते हैं आलू बुखारा, ये भी बहुत अच्छी चीज होता है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स रखेंगे, नट्स रखेंगे और साथ ही वेजिटेबल्स रखेंगे, ग्रीनी लीफी प्रोडक्ट्स, तो वो तमाम आपकी विटामिन सी डी और ई की सप्लीमेंट्स या उसकी तमाम कमी को पूरा कर देंगे। इसके साथ ही अगर आप 8 से 10 ग्लास जो है वो पानी भी पीते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ओके जी, 8 से 10 ग्लास आप पानी के पीते हैं तो वो आपको फ्लश अवे रखते हैं, सफाई रखते हैं, आपको हाइड्रेटेड रखते हैं और आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के तौर पर, एक हेल्दी स्किन
और ऐसी ऐसा फूड वाला आप शख्स नजर आते हैं जिसको ऐसे मतलब आपकी स्किन ऐसी होती है जो फाइट बैक कर सकती है इस मौसम की जो है वो जितनी भी सीजनल चीजें लग सकती हैं उनसे आपको। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं ये सनब्लॉक की जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, वाई अ सनब्लॉक। इस वक्त ओरिफ्लेम में 3 सनब्लॉक्स मौजूद हैं, एक ऑप्टिमल्स का है, एक नोविच का एसपीएफ 50 है और एक हमारे पास सन 360 का एसपीएफ 50 मौजूद। होता क्या है कि जब हमें लग रहा होता है हमें सूरज नजर नहीं आ रहा होता तो हमें लग रहा होता है जब वो चीज है ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो सूरज है ही नहीं तो उसकी किसी किस्म की शुआएं भी हम तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, जबकि मैं आपको ये बात बारह बता चुकी हूँ, गर्मी सर्दी बरसात खुशी गम हर सीजन में आपने सनब्लॉक लगाना है और ना सिर्फ लगाना है उसको 2 से 3 घंटे बाद रीअप्लाई करना है। सूरज की देखिए दिन चढ़ता ही तब है जब सूरज निकल जाता है, निकल आता है। अब आपको नजर नहीं आ रहा वो बादलों के पीछे है, सिर्फ एक बादलों की शील्ड है मगर वो दुनिया में दिन कायम कर चुका है। सो इसका आपको समझ ये लगनी चाहिए कि आप अगर उसकी रेज अब फैलना शुरू हो जाए हो गई हुई है, ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा। सो सूरज की जो रेज होती हैं वो रेज आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, आपकी स्किन के कोलाजन को तोड़ती हैं, पिगमेंटेशन करती हैं, स्किन का टू टोन अफेक्ट करती हैं, बुरा करती हैं। सूरज के बहुत से फायदे हैं, विटामिन डी देता है, सूरज ना हो तो दुनिया में जिंदगी नहीं है, मगर उसके कुछ नुकसान भी मौजूद। सो यू नीड टू बी केयरफुल, आप उसके बाकी फायदे लीजिए मगर अपने मुंह को कवर रखें या एक्सपोज्ड एरियाज को थोड़ा सा कवर रखें ताकि आप इसकी मुजर शुआओं से बच सके। हाँ, हम सूरज को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं आपके कमरे की तरफ। आप कहती है मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ तो मुझे सूरज क्या कह सकता है? आप बिल्कुल सही है, आप बाहर नहीं निकलती। पहली बात तो सूरज के बाहर से भी शीशे के अंदर से भी उसकी रेज अफेक्ट करती हैं। दूसरा, अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो आपके घर में जो लाइट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो माइक्रोवेव है, आपका फ्रिज है, आपका लैपटॉप है, आपका फोन है, टैबलेट्स हैं, आपका LCD है, इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक की जो डिवाइसेस और गैजेट्स हैं इनसे एक हीट निकलती है और वो जो हीट होती है और रेज होती हैं वो आपकी स्किन पर बड़ी बुरी तरह से असरअंदाज होती हैं। आप भले सूरज में नहीं जाते, आप इनडोर बैठे हैं तो भी वो आपकी स्किन को डैमेज कर रही हैं, एजिंग की तरफ लेके जा रही हैं और पिगमेंटेड कर रही हैं। So, अगर आप सिर्फ एक सनब्लॉक हर 2 से 3 घंटे बाद रीअप्लाई कर लेते हो तो आई थिंक उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। तो स्किन केयर के अंदर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड गोल्ड रखता है वो सनब्लॉक रखता है, तो उसको कभी आपने स्किप नहीं करना, चाहे आप इनडोर बैठे हो आउटडोर बैठे हो, आपकी जो है वो स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो फिर तो जहन में रखे मुंह धोएं, मुंह धोने के कुछ देर के थोड़ा जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद अपना सनब्लॉक लगाएं, सनब्लॉक को लगा रहने दें। अगर कोई स्किन केयर करनी है तो पहले कर लीजिए, सनब्लॉक से पहले कर लें और सनब्लॉक स्किन केयर करने के 10 से 15 मिनट के बाद सनब्लॉक लगाएं, सनब्लॉक लगाने के 15 से 20 मिनट के बाद अब अपना मेकअप लगाएं और फिर घर से बाहर जाएं। ठीक है, ये रूटीन आप लोगों की होनी चाहिए और सनब्लॉक के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं करें, आपकी आप बहुत आसानी में रहेंगे। अब हमने बात की थी मॉइस्चर की, सॉरी डेली फेस वॉश की। देखिए जी, फेस वॉश की अगर मैं बात करूं तो फेस वॉशेस बहुत से मौजूद होंगे और आपको बहुत से, हर एक की चॉइस भी फर्क होगी, हर एक की एज फर्क है, कंसर्न फर्क है। जनरली जो मुझे लगा कि इस मौसम के अंदर अच्छे फेस वॉशेस हो सकते हैं जो आपकी स्किन को बहुत सही रखें, अगर आपकी कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है तो आप यूज कर सकते हैं प्योर स्किन। प्योर स्किन का फेस वॉश हमारे एक ऑफर में भी आया हुआ है, तो उस ऑफर को अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आप अपना ऑर्डर भी ले लेंगे, एक बड़ा जबरदस्त फेस वॉश ले लेंगे। ये फेस वॉश इस मौसम के लिए क्यों अच्छा? इसके अंदर मौजूद है सैलिसिलिक का एसिड, विच इज अ BHA। सैलिसिलिक का एसिड क्या करता है? आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, इम्प्योरिटीज को दूर करता है, ब्लेमिशेस को खत्म करता है, स्किन को रीसर्फेस करता है। आपकी ये इतना माइल्ड जेंटल एक्सफोलियंट होता है स्किन की, आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता साफ करता है, उसके निशानों को खत्म करता है, उसके ऑयल को रिड्यूस करने के साथ साथ बैक्टीरिया खत्म करता है और दाने ना बनने के अमल को भी जो है वो रोकता है, और जो पुरानी डेड स्किन आपकी स्किन पे गिरी होती है जिससे मजीद दाने निकल सकते हैं उसको भी रिमूव करता है। सो ये जेंटल फेस वॉश है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। फेस वॉश यूज करने के 2 तरीके मैंने बताए थे, 2-3 क्लासों में बता चुकी हूँ।
अगर आप 30 ईयर्स से कम हैं तो अपने मुंह पर फेस वॉश आप लगाएंगे, दो दो दफा अच्छी तरह से क्लेंस करेंगे इसी तरीके से। बाकी आप नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, पानी से करें, जैसे भी करते हैं, सुबह उठकर भी और शाम को भी ये तरीकेकार आप इख्तियार करें। आप अपने हाथ पर फेस वॉश लीजिए और उसको मुंह को गीला ना करें, हाथ को गीला ना करें, बस उस फेस वॉश को मुंह पे लगाएं और सर्कुलर मोशन में 60 सेकंड के लिए अपने मुंह पर और गर्दन पर आप इसको अप्लाई करें। अगर वो ड्राई आउट हो जाए तो थोड़ा और फेस वॉश ले लें और 60 सेकंड यानी 1 मिनट के लिए अपने मुंह पर लगाएं। उसके बाद रिंस करें। आपको अपना चेहरा, अगर आप 1 महीना करते हैं, आपको विजिबल डिफरेंस लगेगा अपनी स्किन में, कोई बम्प्स नहीं निकलेंगे, कोई दाने नहीं निकलेंगे। मीलिया अगर आपकी स्किन पर है, विच इज कॉल्ड आपकी स्किन के बम्प्स, जो स्किन के अंदर दाने निकलते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर आप 30 से अबव हैं तो अब आपको डबल क्लेंजिंग की जरूरत है अपनी रिजीम के अंदर। डबल क्लेंजिंग क्या होती है? डबल क्लेंजिंग होती है कि आप ऑयल को ऐड करना शुरू करते हैं अपनी स्किन केयर के अंदर। देखें, आप कहती हैं आप मेकअप नहीं करती हैं, आप सनब्लॉक यूज करती हैं, अगर आप किचन में भी जाते हो तो बहुत सा ऑयल और डर्ट लग जाता है। सनब्लॉक यूज करने से और क्लेंजिंग प्रॉपर ना करने से व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। सो वी नीड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप एक चीज अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ उसकी काउंटर चीजें भी आपको यूज करने की जरूरत है। सो आप क्या करोगे, एक ऑयल लें, आइडियली बादाम का ऑयल, कोकोनट ऑयल मुंह पे नहीं अप्लाई होता, ये मैं पहले बता दूं। बादाम का ऑयल लें, उसको सर्कुलर मोशन में अपने मुंह पर रब करें, सर्कुलर मोशन में। उसके बाद आप फेस वॉश हुई प्योर स्किन का ले लें या जो भी आपका फेस वॉश है वो लें और उसको सर्कुलर मोशन में, यानी अगर आपने 20 सेकेंड के लिए ऑयल लगाया है अपने मुंह पे, मुंह और गर्दन पे सर्कुलर मोशन में 30 सेकेंड के लिए, तो अगले 30 से 40 सेकेंड उसी मुंह पर बगैर पानी लगाए आप फेस वॉश ऐड करके उसको सर्कुलर मोशन में रब करें। और ये भी 2 टाइम आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप मुंह साफ करें और जो नाइट क्रीम वगैरह डे क्रीम लगानी है वो लगाएं। अच्छा, आप इसके साथ साथ हाइड्रा का लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले जिनके दाने नहीं निकलते या निकलते भी हैं। हाइड्रा इज अ वेरी सेफ एंड अ वेरी ब्यूटीफुल रेंज, इट इज ऑल अबाउट वाटर। और जिनके सिस्टिक एक्ने निकलती हैं गड़ों की तरह के, बड़े बड़े फोड़ों की तरह के, वो लव नेचर का टी ट्री और लाइम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल कैन बी अ वेरी गुड चॉइस, आप एसेंशियल की ब्राइटनेस या फेयरनेस की रेंज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तरीकेकार वही होगा इस्तेमाल करने का, अकॉर्डिंग टू 8 चीजें चेंज हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है एक्सफोलियंट्स 2 तरह के होते हैं। एक एक्सफोलियंट होता है विच इज कॉल्ड अ फिजिकल एक्सफोलियंट, एक एक्सफोलियंट होता है विच इज कॉल्ड अ केमिकल एक्सफोलियंट। फिजिकल एक्सफोलियंट वो होता है जिसके अंदर आपके तमाम किस्म के स्क्रब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिजिकली आप ग्रैन्यूल्स वाली चीजें यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके ब्रशेस इन्वॉल्व हो जाते हैं जो मुंह को साफ करने के ब्रशेस होते हैं, जिसके अंदर आपकी ऐसी डिवाइसेस आ जाती हैं जो मुंह को फिजिकली टच करके उनको आप लगाते हो। ठीक है, अच्छा, फिजिकल स्क्रब्स किसके लिए अच्छे होते हैं? पहली बात तो बॉडी के लिए थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं और उसके अलावा 30 से नीचे लोगों के लिए फिजिकल स्क्रब्स अच्छे होते हैं, क्योंकि उस वक्त चूंकि स्किन टाइप जरा टफ होती है, हार्ड होती है, आपकी स्किन का बैरियर भी बेहतर होता है और आपका ऑयल भी अच्छा स्किन के अंदर मौजूद होता है, बहुत बुढ़ापे वाली चीजें नहीं होती आपकी स्किन पे। तो अगर आप फिजिकल स्क्रब अपने मुंह पे लगाते हैं तो उस एक्सफोलियंट इज गुड, बट याद रखिएगा बहुत ज्यादा रब नहीं करते हैं, वो आपकी स्किन के बेबी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। आप 30 अबव हो जाते हैं या लेट 30s में होते हैं तो आपके लिए आइडियल है केमिकल एक्सफोलियंट। नाउ व्हाट इज अ केमिकल एक्सफोलियंट? केमिकल एक्सफोलियंट होता है, दुनिया के अंदर केमिकल एक्सफोलियंट हम एक AHA और BHA वाली प्रोडक्ट को बोलते हैं। आप कहीं भी जाओगे और आप कहोगे आपको केमिकल एक्सफोलियंट चाहिए तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज देगा जिसके अंदर कोई कोई ऐसा फ्लूइड होगा या ऐसा लिक्विड होगा, ऐसी क्रीम होगी जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब वो 2 प्रॉपर्टीज डिफरेंट तरह की भी हो सकती हैं या वो सिंगल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। एक्सफोलियंट केमिकल क्या होता है? एक AHA वाले होते हैं एक्सफोलियंट्स। AHA एक्सफोलियंट्स क्या करते हैं? वो नॉर्मल या जो है वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट एजिलिक एसिड हो गया, नाइसिनमाइड हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया। इस हाइलुरोनिक एसिड तो नहीं होता उसके अंदर बेसिकली, वो तो नहीं होता, पर डिफरेंट इस तरह के माइल्ड केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन की ऊपर की तह को नेचुरली उतारते हैं। स्किन की लेयर्स तो उतरती ही रहती है ना, हम रोज 40,000 लेयर्स अपनी स्किन की उतारते हैं, 3 मेजर लेयर्स हैं और हर लेयर के ऊपर लाखों लेयर्स हैं और 40,000 लेयर्स हम एक दिन में उतारते हैं। मगर जो आप एज में आगे जाते हैं ये इस प्रोसेस स्लो डाउन कर जाता है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने का जो तरीका है वो क्या होता है कि आप
केमिकल एक्सफोलियंट लेट 30s या 30s के बाद लगाते हैं। अच्छा एक होता है BHA, BHA दुनिया में एक ही है विच इज अ सैलिसिलिक एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हम इन एसिड्स को इस तरह डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इनका एक खास तनासब होता है जिसको आप अपने मुंह पे लगाते हैं। जो केमिकल पील्स होती हैं उसके अंदर वो तनासब बना हुआ होता है, और जो बेसिकली आपका केमिकल पील होता है उसके अंदर AHA भी डला हुआ होता है और BHA भी डला होता है, यानी नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग भी यूज कर सकते हैं और ऑयली वाले तो कर ही सकते हैं ना, ऑयली वालों को वो कभी हिट नहीं करेगा क्योंकि वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन के लिए। जो हमारा ओरिफ्लेम का नोविच का केमिकल पील है वो बहुत ज्यादा तरीके से बनाया गया है, उसकी हार्श पीलिंग नहीं है, इरिटेंट नहीं है, उसका जो है वो रेडनेस का टाइम पीरियड इस तरह का नहीं है, तो दैट इज अ वेरी गुड एक्सफोलियंट, ठीक है। आप उसको किस तरह लगाते हैं, उसको लगाने का तरीका ये होता है, पहले अपना मुंह क्लेंस कर लिया अपने फेस वॉश से जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारी सफाई कर ली मुंह की, उसके बाद शाम को किसी भी दिन 20 मिनट के लिए आपने लगा लिया, लगा के आप छोड़ देंगे 20 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद उसको पानी से रिंस आउट करेंगे एंड दे यू को, उसके बाद नाइट क्रीम लगाएंगे और छोड़ देंगे। एक्सफोलियंट सुबह यूज नहीं होते, सूरज से बर्निंग हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है, पिगमेंटेशन भी हो सकती है अगर आप सनब्लॉक में एहतियात ना करें, और उसके बाद आप सनब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद लव नेचर का जो मैंने आपको बताया बेसिक स्किन केयर में से एक स्क्रब है, आई यूज्ड इट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फिजिकल स्क्रब्स बट आई रियली लव्ड इट, रियली रियली लव्ड इट, ठीक है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी भी। अगर आप अच्छे तरीके से एक्सफोलियंट्स को यूज करते हैं तो मॉनसून सीजन के अंदर जो आपका ग्राउंड है स्किन का, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें जर्म्स और बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है ऑयली स्किन वालों का और सबका, जो एक्ने और स्किन के इश्यूज क्रिएट करता है, वो प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाएगी एक्सफोलियंट्स लगाने के बाद या जेंटली स्क्रब करने के बाद, और अनवांटेड जो पोर्स हैं उनको क्लॉगिंग से और डेड स्किन को उतारने के बाद। फिर हम बात करते हैं मॉइस्चराइजर। आप कहेंगे एक तरफ तो ऑलरेडी हवा के अंदर इतना ज्यादा नमी है, इतना ऑयल है, हम कैसे मॉइस्चराइजर लगाएं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मॉइस्चराइजर भी आपने डप डप क्रीम्स नहीं लगाने। मॉनसून सीजन के जब आता है तो ह्यूमिडिटी का लेवल आपका राइज कर जाता है और आप फील करते हैं कि आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, मगर आपकी स्किन को उसकी जरूरत होती है क्योंकि आपकी स्किन एक टाइम पर डल लग रही होती है, आपकी ड्राई भी लग रही होती है। कुछ लोगों को मॉइस्चराइजर जो होते हैं उनके रिंकल्स को मेंटेन करने के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको इसकी साइंस बताती हूँ। होता क्या है, जब आप इस तरह का फेस वॉश यूज कर रहे हैं प्योर स्किन का या ऐसी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो बेसिकली मॉनसून के हवाले से हैं, तो उसके अंदर ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को ड्राई आउट करें। जब आप अपनी स्किन को बहुत ड्राई आउट करते हो तो ब्रेन को जो मैसेज आता है, क्योंकि ब्रेन बहुत अरसे से आपकी बॉडी के हिसाब से चल रहा है, उसको ये मैसेज आता है कि स्किन बहुत ड्राई हो गई है, वो मजीद ऑयल फेंकना शुरू कर देता है आपके मुंह पर, आपका मुंह बहुत ऑयली लगता है। आप कहते हैं अभी तो मैंने मुंह साफ किया, फिर ये चिकनाहट कहाँ से आ गई। उसको काउंटर करने का बेस्ट तरीका है डॉज इट। डॉज करने के लिए जो बेस्ट चीज है वो ये है कि हमारी हाइड्रा के लिए, हाइड्रा इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन एंड वाटर, या तो आप इसकी क्रीम्स लगा सकते हैं डे एंड नाइट क्रीम्स ताकि हाइड्रेटेड रहे आपकी स्किन। फर्ज करें आप लेट 40s में या 40s में, तो आप चाहते हैं कि मेरी एंटी एजिंग का काम होता रहे, आई डोंट वांट टू लीव माय प्रोडक्ट्स, तो यू हैव टू स्विच इट टू सर्टेन थिंग्स लाइक हाइड्रेशन पे आ जाए। अच्छा, हाइड्रेशन और ड्राइनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो आपने हाइड्रेटेड रखना है। दूसरा, अब सीरम्स पे चले जाएं, वो लेस मॉइस्चर हैं, मोर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, स्किन की सेकेंड लेयर तक जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर रेंज योर स्किन टाइप आप अपने जो है वो सीरम लेंगे और उसको पूरे मुंह और गर्दन पे लगा देंगे। जब आप मुंह धोने के फौरी तौर पर बल्कि गीले मुंह पर ही लगाएंगे, यकीन करें आपका मुंह ऑयल फेंकना या चिकना करना आपकी स्किन को बंद कर देगा। सो इस सीजन में आमतौर पर भी लगाना बहुत हाइड्रेशन, इस तरह मैंने आपको पहले बताया हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वेट बहुत ज्यादा इस मौसम में आप कर रहे होते हैं जो किसी सीजन में नहीं कर रहे होते। इससे एक टाइम पे जब बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है, तेल डल लगने शुरू हो जाते हो, तो अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी, आप जितना भी पानी पीते हैं तो उस पानी को सारे ऑर्गन्स में से गुजारने के बाद लेफ्ट ओवर आपकी स्किन पर लगता है, ठीक है। सो इसका मतलब है पानी जितना आप पियेंगे उतना कम है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा आप लोगों को मेरी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही। नहीं मैम आ रही है। थैंक
थैंक यू। ओके जी, सो आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, वो आपके लंग्स को, गुर्दों को, हर चीज को साफ रखेगा, फिल्टर्ड रखेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखेगा। मगर याद रखिएगा, कोई 15 ग्लास या 15 बोतलें या इतना पानी भी नहीं पीना सही होता, वो आपके गुर्दों को ओवरवर्क कराता है, इससे गुर्दे डैमेज होते हैं। एक मुनासिब मिकदार में हर चीज अच्छी होती है ताकि आपकी स्किन साफ रहे, आपका सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्लेंज रहे। उसके बाद हम बात करते हैं इस सीजन में लिप्स की। हमारी स्किन जो है वो इस सीजन में बहुत एक्सपोज्ड होती है ह्यूमिडिटी के साथ, ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें मॉइस्चर रिटेन करने की पावर कम हो जाती है, ठीक है। बाहर भी ह्यूमिडिटी इतनी है और बार बार ऑयल और पानी निकाल रहा होता है, तो वो ड्राइनेस की तरफ जा रही है। अगर आप मॉइस्चर नहीं यूज कर रहे, आप सनब्लॉक नहीं यूज कर रहे, तो वो ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू होती है, बिकॉज यू आर लूजिंग इट, और नमी की वजह से आपका और ऑयल बाहर निकल रहा है, यू आर लूजिंग योर ओन स्टफ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें मॉइस्चर लूज हो जाता है, बहुत से लोगों का एक्जिमा हो जाता है इस सीजन के अंदर। सो इसमें आपके लिप्स पे भी इम्पैक्ट होता है, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती, चैप्ड लिप्स हो जाते हैं। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे होते हैं मौसम की मुनासबत से हो रहा है, और उनका बॉडी का जो ह्यूमिडिटी है या ऑयल या तेल कह लें या पसीना कह लें, वो निकल रहा है। सो आपको कोशिश करनी है, स्क्रब करें अपने लिप्स को भी, स्क्रब रखें और उस पर कोई ना कोई जो है वो ऐसी प्रोडक्ट लगाएं, जिस तरह हम लोगों के पास बहुत से लिप्स पाज हैं वो लगाएं। तो हमारे पास ये लव नेचर का एक बड़ा ही जबरदस्त स्क्रब है, विच इज वेरी माइल्ड, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारी जो लिप्स पा थेरेपीज है उसको यूज करेंगे, और एंड में इसके ऊपर सनब्लॉक लगाएंगे। इसमें वन लेयर है स्किन की, आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे लिप्स पर, बाबा लगा के देंगे, मैंने भी लगा के देना। अगर आप अपने लिप्स पर सनब्लॉक नहीं यूज करेंगे तो वो काले हो जाएंगे। हमने बात की थी मेकअप की, ठीक है। सो हमें मेकअप के अंदर वो वाला मेकअप यूज करना है सीजन के अंदर, जो मेकअप हमारे पोर्स को क्लॉग ना करे, ठीक है। क्लॉगिंग से मतलब ये है पोर्स को बंद ना करे और उनको ब्रीथ करने की इजाजत है। जहां आप सब कुछ लगा रहे हैं वहां ऐसी प्रोडक्ट लगाएं जो आपकी स्किन को एक तो हल्का मेकअप का टेक्सचर दे, आपको बहुत कवरिंग करनी ना पड़े। सो उसके लिए सबसे आइडियल जो मुझे लगती है मेरी नॉलेज के हिसाब से और जो मैं खुद यूज करती हूँ, वह है जीजी की जुगानी गोल्ड की सीसी क्रीम। सीसी क्रीम का मतलब ये है, जिस तरह बीबी क्रीम होती है, सीसी क्रीम का मतलब है कलर करेक्टर। इसके अंदर कंसीलर है, इसके अंदर फाउंडेशन है और SPF 35 है। यानी अगर आप नीचे फाउंडेशन लगाते हैं और ऊपर ये लगाते हैं, तो ये आपके फाउंडेशन और आपके सनब्लॉक की ताकत को 200% पे ले जाता है। इसमें दो शेड्स हैं, ये नॉन कमीडोजेनिक है। नॉन कमीडोजेनिक का मतलब ये होता है ये आपके पोर्स को बंद नहीं करेगा, उनको ब्रीथ करने देगा, अवॉइड करेगा, ट्रिगर नहीं करेगा एक्ने को, और आपकी स्किन को कम मेकअप में बहुत अच्छा दिखाएगा विद प्रोटेक्शन। उसके बाद जिस तरह हमने बात की थी स्पेसिफिकली हम क्या कर सकते हैं, सो मैं आपको ये जरूर बताऊंगी स्पेसिफिक स्किन केयर कंडीशन में जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं इस सीजन के अंदर सैलिसिलिक एसिड, जो प्योर स्किन के अंदर है, फॉर एक्ने, ब्रेकआउट्स या क्लॉगिंग पोर्स। AHA प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही थी, जो ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले यूज कर सकते हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, मिंडेलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टॉक्टिक एसिड है। ये एक्सफोलिएशन के लिए यूज होता है, पिगमेंटेड और डार्क स्किन के लिए यूज होता है। अदर पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स में कॉमनली जो यूज होते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड है, नायसिनमाइड है, कोजैक एसिड है, आर्बिट्रिन है, पेप्टाइड्स है फॉर लाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो अगर हम बात करें अपने नोवेज की इस ओवरनाइट मास्क की, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। आपको पता है आपकी स्किन की ऊपर की सारी लेयर हाइलुरोनिक एसिड से भरी हुई है, और जब आपकी स्किन पे लाइनें पड़ती हैं उसका हाइलुरोनिक एसिड का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आपको पता है जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं डॉक्टर्स करते हैं और जो इंजेक्शन लगते हैं उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली इंजेक्ट किया जाता है आपकी स्किन के अंदर काफी ज्यादा हद तक, ठीक है, वो हाइड्रेशन का लेवल होता है। सो आप ऐसी प्रोडक्ट क्यों नहीं घर पे यूज करते जो ओवरनाइट रिचार्जेबल मास्क है। और ये जो हमारा जीजी का बड़े जबरदस्त बॉल्स आया, मैं इसको यूज करती हूँ, यकीन कीजिए मैं अपनी फाउंडेशन से पहले या सीसी क्रीम से पहले इसको लगाती हूँ तो मैट कर देती है।
आपके सनब्लॉक नीचे लगा होता है उसको भी मैट कर देती है और बिल्कुल ड्राइड फॉर्म में एक वन टोन दिखाती है। सो आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सीजन्स। इसके बाद मैंने थोड़ी सी आपको कहा था मैं बात करूंगी आप लोगों से लव नेचर के मास्क की, वो भी मैंने चूंकि खुद इसको यूज किया है एंड आई रियली लाइक इट, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूं कि इस मास्क के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। अच्छा जी, हम आते हैं मास्क के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है हमारा हम सबको नेचर पसंद है, लव नेचर का हमारा डार्क बेरीज का जो है वो एक ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स का, इसमें ब्लूबेरीज भी मौजूद हैं, इसके अंदर ब्लैक बेरीज भी मौजूद हैं, इसमें ऑर्गेनिक ब्लैक करंट सीड्स भी मौजूद हैं, ये इससे मिलकर बनाया गया। अब हम बात करें ऑर्गेनिक ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट से क्या करते हैं। ब्लूबेरीज जो है पूरी दुनिया में नोन है एज अ सुपर फूड, ये जो है वो बेसिकली आपकी स्किन को वो गुडनेस देता है और वो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है जिससे आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट होती है और फाइट कर सकती है हार्मफुल फ्री रेडिकल से जो आपकी हवा में मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो चीनी या शुगर्स मौजूद हैं ये हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को जो नेचुरल है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट्स की, इसमें जूसी ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं जो बहुत अगेन एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है विद विटामिन्स, विटामिन सी इसमें है जो आपकी स्किन को क्लियर रेडियंट दिखाती है। और इसके साथ इसमें बहुत सी जो शुगर्स हैं अगेन ये आपको जो है स्किन को ऑप्टिमली हाइड्रेटेड रखती है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक ब्लैक करंट सीड्स भी मौजूद हैं, ब्लैक करंट बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छी चीज़ है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। और इसके अंदर ये जो स्किन की कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रोटेक्ट करना, रिफ्रेश करना, इन तमाम चीजों के लिए ये एक्सेलेंट मानी जाती है। ये रिमूव करती है डेड सेल्स को और आपकी स्किन को क्लेंस्ड और फ्रेश और सॉफ्ट रखती है। सो ये स्पेशली मुझे क्योंकि ये रेंज बहुत पसंद है और मैं इसको यूज भी कर रही हूँ तो आई रियली लाइक इट। मुझे लगता है जिस तरह कोई आपने मेडिकल प्रोसीजर किया हुआ है बिल्कुल ऐसे करता है। इसके बाद हम बात पोरी फ्लेम के कुछ बूस्टर्स ऑफ पे भी आए हैं। सब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस बूस्टर के अंदर क्या मौजूद है। ओके जी, ये बूस्टर है, इट्स एन इजी यूज का बूस्टर है। बूस्टर जो होते हैं इस सीरम से मुख्तलिफ होते हैं, ये आप किसी भी नाइट क्रीम में लगा सकते हो बल्कि डायरेक्टली भी लगा सकते हो। अगर आप टायर्ड हो, किसी फंक्शन पे जाना है, आपको फ्रेश ग्लो फौरी तौर पर चाहिए तो ये हाईली रिकमेंडेड है। इसमें नेचुरल स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स का ब्लेंड है जो आपकी स्किन को एनर्जाइज करता है और रिन्यू करता है, स्मूथ करता है और आपको एक अच्छी स्किन दिखाता है। डेली यूज के लिए भी है, मंथली यूज के लिए भी है, डिपेंडिंग ऑन द स्किन नीड। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है ब्लैक करंट, इसके अंदर विटामिन सी है जो आपकी स्किन को फेयर हाइड्रेट एनर्जाइज और रिफ्रेश करती है। इसमें मौजूद है स्वीट चेरी जो स्वीट चेरी में क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एसिड्स क्या करते हैं, पीलिंग का काम करते हैं। इसमें एचए प्योरेस्ट फॉर्म में, आप देखिए जब हम क्रीम बनाते हैं ना तो क्रीम में हम उसकी डिग्री चेंज कर देते हैं, जब ये सीरम्स होते हैं, सीरम तो नहीं बूस्टर में, ये प्योर फॉर्म में आप तक पहुंच जाते हैं और ये प्रमोट करते हैं सेल्स टर्नओवर को, डेड स्किन को रिमूव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं रेडियंस को। नाइसिनमाइड, नाइसिनमाइड इज वन ऑफ द माय टॉप फेवरेट विटामिन सी और नाइसिनमाइड, आई लव देम। नाइसिनमाइड को कहते हैं विटामिन बी थ्री, विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्किन में और आपके हार्मोन्स के अंदर B12 और इस तरह से। ये मल्टीपल स्किन बेनिफिट्स के लिए यूज होता है, ये हेल्प करता है एनर्जाइज करने में स्किन के सेल्स को, लाइट करता है आपकी स्किन को, पिगमेंटेशन को लाइट करता है और आपकी स्किन टोन और टेक्सचर को ठीक करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को काउंटर करता है, स्किन के पोर्स को छोटा करता है और ऑयल को कंट्रोल करता है और पिगमेंटेशन से भी आपको बचाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट्स और अनफॉर्चुनेटली हम इसकी इतनी बात नहीं करते। अगेन हमारी क्विक पैक का ये पार्ट है ये बूस्टर्स। हमारे पास विटामिन ई का बूस्टर है, इसमें रोज हिप ऑयल और कनोला ऑयल है और कैमिलेनिया ऑयल भी मौजूद है और ये बेसिकली ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारी स्किन को जिनकी जरूरत होती है। विटामिन ई इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और उसके साथ पानी के साथ इसको बाइंडिंग का भी काम करता है।
बहुत इजी टू यूज हमारे ये बूस्टर्स हैं, ये डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए हाईली रिकमेंडेड हैं। इसमें नेचुरल स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स के ब्लेंड्स मौजूद हैं और विटामिन ई है जो स्मूथ करती है, मॉइस्चर करती है आपकी स्किन को। आप इसको मंथली यूज करें, एवरी डे में यूज करें, एक दिन छोड़कर यूज करें और आदत डालें, आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। विटामिन सी की बात करते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट विटामिन इज विटामिन सी। विटामिन सी खाने की बात नहीं इस वक्त कर रहे हैं हम, इस वक्त लगाने की बात कर रहे हैं। इट्स प्योर जो है एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक ऑयल में कन्वर्ट करता है जिसको बोलते हैं रेजर्वेट ऑयल। रेजर्वेट ऑयल जो है वो आपकी स्किन की सेकेंड लेयर पे जाके उसको एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर बूस्ट करता है, कलर को फेयर करता है, पिगमेंटेशन को स्लो डाउन करता है, कोलाजन की जो है वो बेहतरी करता है, उसके सेल टर्नओवर को बेहतर करता है। विटामिन सी के बहुत सी फॉर्म्स मिलती हैं पूरी दुनिया के अंदर और हर फॉर्म पर विटामिन सी उसका नाम नहीं लिखा होता, डिफरेंट एसिड्स के नाम से वो आता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मेलनिन की प्रोडक्शन को कम करता है, इम्प्रूव करता है स्किन के, मैंने आपको बताया जो सूरज के डैमेज से स्किन जो है आपकी ख़राब हुई है या आपको एज स्पॉट्स पड़े हैं या जो आपको यूवी रेज का डैमेज हुआ है उसको रिवर्स करता है। इसमें नेचुरल स्ट्रॉबेरी के एक्सट्रैक्ट्स हैं विच इज़ लोडेड विद शुगर्स, विटामिन्स, मिनरल्स। Additionally, powerful source है विटामिन सी की, आपको पता है स्ट्रॉबेरीज में भी होती है। इसमें पॉलीफेनोल्स हैं, पॉलीफेनोल्स आर वेरी गुड फॉर पिगमेंटेड स्किन। ये ग्रीन एप्पल्स में होता है और नाशपाती में भी होता है और ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में स्किन के एंटीऑक्सीडेंट के और स्ट्रेस के लेवल को और आपकी स्किन को ब्राइट दिखाता है। नेचुरल सी बैक्थोआ एक्सट्रैक्ट्स भी इसमें मौजूद होते हैं जो मॉइस्चराइज और नरिशिंग का काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं स्किन के टेक्सचर को। और इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो विटामिन सी ही है और हम इन बूस्टर्स को बहुत अच्छी ऑफर पर, बहुत अच्छी प्राइसिंग पर इस महीने ले सकते हैं। जी किसको स्लाइड्स नहीं शो हो रही? किसी को भी शो नहीं हो रही? मैम हो रही है स्लाइड्स शो। राबिया और बीनेश आप देखिए अपने उसके अंदर, स्लाइड्स तो मेरा ख्याल है चल ही रही हैं और कोई मुझे कमेंट करेगा? हो रही हैं, चलें दो लोगों ने बता दिया कि स्लाइड शो हो रही हैं, इसका मतलब है स्लाइड शो हो रही हैं। राबिया और वो आप देख लें बीनेश, ठीक है। अच्छा जी, सो जी ये हमारे वो तमाम ऑफर्स हैं। देखिए कंपनी जब एक अपना मार्केटिंग की फोरकास्टिंग करती है तो उसमें सीजन्स और फेस्टिविटीज को देखा जाता है और अगर मैं बात करती हूँ इस महीने के ऑफर्स को तो वो खास तौर पे मॉनसून के वक्त को देखकर लाई गई हैं। इनको यूज करना, इनको इस्तेमाल करना ये आप पर मुनसर है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका प्लान है इस मंथ का, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी इनकम है इस मंथ की, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है इस मंथ की। इसको यूज करना या ना यूज करना ये आप पर मुनसर है, किसी और पे नहीं। आप देखिए इस 75 बीपी करने, आपको 150 बीपी करने पर जो 11 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जिसके अंदर कितने साशेज हैं, 6 साशेज हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा आपके पास जो है किस तरह के डिफरेंट और भी बॉडी से रिलेटेड चीजें, बिकॉज ये वो मौसम है जिसमें आप बॉडी पर बॉडी को ज्यादा खुशबू की जरूरत होती है क्योंकि बॉडी में से स्मेल आ रही होती है, बरसात का मौसम है, स्किन ज्यादा खराब हो रही होती है, तो आपको बॉडी और स्किन से रिलेटेड परफेक्ट प्रोडक्ट्स दी गई हैं सीजन के अंदर। इनको यूज करना और इनसे बिजनेस जनरेट करना आपका काम है। ये यूज आप तभी कर सकते थे जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज मैंने आपको दे दी है कि इन प्रोडक्ट्स का क्या काम है और आप इससे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। आपका